अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के द्वारा जारी किए गए समन के बाद पूरे देश में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को घेरने में जुट गई है। छतरपुर की ये तस्वीरें हैं जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव अमित भटनागर, जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र पटेल और आप नेता दीपू शर्मा के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने छत्रसाल चौराहे पर हाथों में तख्तियां लेकर जमकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र और मोदी सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी की। आम आदमी पार्टी की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता से घबराई भारतीय जनता पार्टी की कायर मोदी सरकार ने आज अरविंद केजरीवाल जी के को सम्मन अपने तोता रूपी सीबीआई के माध्यम से सम्मन भेजा है और ये उनको गिरफ्तार करने की साजिश है। आम आदमी पार्टी आज पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है और हमारा ये कहना है कि हम इस कायरता से डरेंगे नहीं और इस कायरता का मुँह खोल कर जवाब देंगे मुखर तरीके से। आज क्या आपने किया है यहाँ? आज हमने यहाँ छतरपुर में मोदी के खिलाफ, उनकी कायरता के खिलाफ जोरदार नारे लगाए हैं। हमारा ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का काल हैं, वो एक कट्टर ईमानदार नेता हैं। यदि आप उनको डराने की दबाने की कोशिश करेंगे तो हर एक आम आदमी इसकी खिलाफत करेगा और मोदी के जेल में कितनी जगह है हम उस पूरे जेलों को भर देंगे और इस तानाशाही का, अपने लोकतंत्र को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार सीबीआई को अपना तोता बनाकर काम कर रही है और विपक्ष के नेताओं पर निशाने साधे जा रहे हैं। इस बारे में जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र पटेल और दीपू शर्मा ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि वे जेलों को भरने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर एकत्रित होकर पूरे छतरपुर जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। जो तानाशाही रवैया केंद्र सरकार एक आम आदमी पार्टी को टॉलरेट करने का काम कर रही है, टारगेट कर रही है कि ये पार्टी ही हमारे लिए चिंता का विषय है और इसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया।